तो ये आज हम जो 10 पेशेंट्स हम ऑपरेट कर रहे हैं, 10 हिप रिप्लेसमेंट जो कर रहे हैं, उनके एक्सरे जब शुरू कर रहे हैं वन बाय वन। ये सबसे पहले सागर का है जो खन्ना पंजाब से हमारे पास आए हैं। बचपन से इनको इंजरी हुई थी लेफ्ट हिप में, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हिप पूरा डेवलप नहीं हुआ है। जैसे हमारी ये नेक लेंथ होती है, यहाँ कोई नेक नहीं है, सिर्फ इतनी है, और हेड भी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से जो डिस्टेंस है पेल्विस और फीमर के बीच में, वो इतना रह गया जो कि नॉर्मली इतना होना चाहिए। यहाँ पे तो बोन बिल्कुल टच कर रही है, जो कि नॉर्मली इतना गैप होता है। और लेंथ अगर आप देखें, ट्रोकेंटर यहाँ इस लेवल पर है और यहाँ इस लेवल पर है, तो इसकी वजह से इतना डिफरेंस है उनकी लेग में। तो हमें क्या करना है, हमें लेंथ वापस लानी है, ये नेक लेंथ वापस डेवलप करनी है, ट्रोकेंटर को दूर हटाना है पेल्विस से ताकि उनकी मूवमेंट आ सके, और उसके बाद जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएंगे। दिस इज अवर फर्स्ट पेशेंट। हमारे सेकंड पेशेंट हैं सुभजीत भट्टाचार्य, जो वेस्ट बंगाल से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं। इनको काफी दिनों तक आईसीयू में रहना पड़ा था आफ्टर कोविड, और उसकी वजह से आप देखेंगे ये हिप नॉर्मल है, लेकिन इधर बहुत सारी बोन एक्स्ट्रा बन गई है, जिसकी वजह से पूरा हिप डैमेज हो गया है, सारी मूवमेंट्स खत्म हो गई हैं। इसको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक ऑसिफिकेशन। तो हमें ये सारी एक्स्ट्रा बोन हटानी है, हिप को रिप्लेस करना है, इनकी मूवमेंट्स वापस लानी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इनके नी में भी ऑसिफिकेशन हो गया है अलॉन्ग द मिडिल कोलैटरल लिगामेंट, और इसकी वजह से इनका नी भी पूरा बेंड नहीं होता है। अगर हम नी को स्टिफ रखते हैं तो हिप की मूवमेंट भी उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो वो मूवमेंट पूरी नहीं आ पाएंगे। यानी कि हिप और नी की मूवमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, तो हमें दोनों को ही मोबिलाइज करना है। लेकिन नी को रिप्लेस नहीं करना है, नी को सिर्फ हमने कैल्सिफिकेशन को हटाना है, और उसके बाद इनकी दोनों की अच्छे से फिजियोथेरेपी करानी है ताकि ये मूवमेंट गेन कर सकें। हमारे गरुण सिंगल, इनका एक हिप हम रिप्लेस कर चुके हैं ऑलरेडी कुछ साल पहले। अब इनको एवियन इस साइड भी है, तो अब हम राइट साइड का हिप रिप्लेस करेंगे। ये सिंपलेस्ट ऑफ द केसेस है आज के लिस्ट में, बहुत ही सिंपल केस है। और जैसे आप देख सकते हैं नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट इधर यूज किया है, बहुत अच्छा वेल फिक्स्ड है, इधर कोई पेन नहीं है। अब हम इधर भी सेम इम्प्लांट यूज करेंगे एंड वी आर होपिंग टू हैव ए ग्रेट रिजल्ट। ये है अपेक्षा, जो हमारे पास आए हैं नागपुर से, महाराष्ट्र से। दोनों तरफ एवियन है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ काफ़ी डैमेज्ड है इनके हिप, और मूवमेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं। आप देखेंगे पेल्विस और फीमर बिल्कुल टच कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो मूवमेंट्स की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, पैर खुलते नहीं हैं। हम एक हिप रिप्लेस करेंगे आज, और एक दिन के बाद दूसरा हिप रिप्लेस करेंगे, एंड शी इज़ गोइंग टू डू वेल। इनकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, मूवमेंट्स भी बढ़ जाएंगे। साइकिल पॉल हमारे अगले पेशेंट हैं, ये भी वेस्ट बंगाल से आए हैं, और इनका फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ था 3 महीने पहले। फिक्सेशन की गई लेकिन फिक्सेशन ने होल्ड नहीं किया, तो आप देखेंगे स्क्रू बाहर जा रहे हैं और जो हेड है वो नीचे आ गया है। ये यहाँ पर ये मैचिंग नहीं है, जैसा कि ये मैचिंग होना चाहिए हेड और नेक का, वो नहीं है। नेक यहाँ जा रही है और हेड यहाँ पर है, दैट मीन्स कि ये फ्रैक्चर अब जुड़ने वाला नहीं है, इसमें यूनियन नहीं होगी। सो वी हैव टू रिमूव द स्क्रूज एंड प्लेट्स एंड वी विल रिप्लेस द हेड।
ये हैं राम सिंह, 45 ईयर, उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आए हैं। इनका शैफ्ट फीमर भी था, पहले हम ये वाला एक्सरे दिखाते हैं आपको। शैफ्ट फीमर फ्रैक्चर था जिसमें इंटरलॉक नेलिंग का प्लान किया गया था, लेकिन साथ साथ जब देखा तो ड्यूरिंग सर्जरी की फ्रैक्चर नेक फीमर भी है, उसका भी फिक्सेशन किया गया, लेकिन यहाँ पे नॉन यूनियन हो गया है और यहाँ पर मेल यूनियन। आप देखिए टेढ़ा जुड़ रहा है, यहाँ पर बोन जो है बिल्कुल टेढ़ी जा रही है। तो हमें क्या करना है कि हमें हिप तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा बिकॉज नॉन यूनियन है नेक फीमर का, साथ साथ हम इस फ्रैक्चर की अलाइनमेंट भी ठीक करेंगे। एंड वी आर नॉट वेटिंग फॉर द यूनियन ऑफ दिस फ्रैक्चर, क्योंकि इसमें भी एक साल लगना है, पेशेंट को एक साल और बेड पर रहना पड़ेगा, इसलिए हम उनको अर्ली मोबिलाइज करेंगे विद ए लॉन्ग इम्प्लांट। ये हमारे नेक्स्ट पेशेंट हैं शिवांगी देवी, इनकी उम्र है 65। इनका एक हिप हम रिप्लेस कर चुके हैं ऑलरेडी, दूसरा हिप आज रिप्लेस करेंगे। इनका एवीएन की वजह से पूरा ख़राब हो गया हिप और ये मुश्किल से चल भी नहीं पा रहे थे। अब धीरे धीरे एक हिप के बाद चलना शुरू किया है, ये हिप हम आज रिप्लेस करेंगे एंड वी आर होपिंग एक ही दो दिन में ये नॉर्मल चलना शुरू कर देंगे। ये हैं राजन सक्सेना जी जो गुड़गांव से आए हैं। कुछ महीने पहले इनका एस्टेबलम फ्रैक्चर हुआ था जिसमें प्लेट लगाई गई, विच इज़ द राइट ट्रीटमेंट, लेकिन जैसे हम बहुत सारे पेशेंट में देखते हैं एस्टेबलम फ्रैक्चर के बाद आर्थराइटिस हो जाती है, पेशेंट का हिप पेनफुल हो जाता है, तो इनका अब हम हिप रिप्लेस करेंगे। आप देख सकते हैं पेल्विक टिल्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, पेल्विक टिल्ट भी करेक्ट हो जाएगा और इनकी लेग लेंथ इक्वल आएगी, मूवमेंट वापस आएंगी। दिस इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट सर्जरी क्योंकि एक सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी है एंड इनकी एज है 61। ये हैं सादिक आलम, इनका ये भी वेस्ट बंगाल से आए हैं। इनका एवीएन है लेफ्ट साइड में, आप डिफरेंस देख सकते हैं। दिस इज़ ए नॉर्मल हिप जिसमें आप बॉल में बिल्कुल टेक्सचर स्मूथ है, लेकिन यहाँ पर ये डॉट डॉट जैसा बन गया है जिसको हम जियोग्राफिक पैटर्न कहते हैं और हेड कोलैप्स भी कर गए, यहाँ पर हेड फ्लैट हो गया है, तो इसलिए इनको पेन है। इनका हिप रिप्लेस करेंगे। यंग पेशेंट इज अराउंड 36-37, लेग लेंथ इक्वल है, तो ये भी बहुत ही सिंपल केस है एज कम्पेयर टू अदर केसेज और कल से ही ये नॉर्मल चलना शुरू करेंगे। लास्ट पेशेंट का एक्सरे है गुरमीत, जो मेरठ से आए हैं, 24 साल इनकी उम्र है और इनको बचपन में गिरने से चोट लगी थी, जिससे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड का हिप बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो रहा है, ना तो सॉकेट डेवलप हुई है ना बॉल, तो इनकी सिर्फ इतनी सॉकेट है और ये बॉल है, तो ये बहुत ही छोटा सा हेड है, नेक बिल्कुल नहीं है। और अगर आप डिफरेंस देखते हैं लेग लेंथ में तो ये डिफरेंस है, इतना ये शॉर्ट नहीं है इनकी, तो इसलिए एडी उठा के चलते हैं। अब हमें वापस सॉकेट यहाँ पर बनाना है जो इसका ओरिजिनल जगह है, तो इससे हम प्रोगेंटर को भी नीचे लेके आएंगे, तो सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, सेंटर ऑफ रोटेशन को यहाँ पर लेके आएंगे और लेग लेंथ को इक्वल करेंगे, तो काफ़ी बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज इसमें यह है कि बोन अगर आप देखें तो डायमीटर इधर बहुत कम है, तो हमें एक बहुत ही शॉर्ट स्टेम जो स्पेशली इन पेशेंट्स के लिए बनवाए जाते हैं बहुत शॉर्ट स्टेम यूज़ करना पड़ेगा, ताकि अगर बड़ा स्टेम डालेंगे तो इसमें फ्रैक्चर के चांसेस हैं, तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है। और जब इसको हम नीचे लेकर आएंगे तो वी हैव एमआईएस टेक्निक का ये फायदा रहेगा कि हम नर्व्स को या वेसल्स को डैमेज नहीं करेंगे, तो हम इजीली लेंथ भी गेन कर लेंगे बट विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द पेशेंट, और कुछ ही दिनों में ये नॉर्मल चलना शुरू करेंगे। अब हम देखते हैं इन्हीं पेशेंट के सर्जरी के बाद के एक्सरे, सभी 10 पेशेंट्स के एक्सरे देखेंगे वन बाय वन। ये सागर हैं हमारे पेशेंट जो पंजाब से आए हैं खन्ना से, और इनका आप देखेंगे कि इनका शॉर्टनिंग था बचपन से, पुरानी चोट थी, अब इनका बिल्कुल लेवल जो लिम लेंथ बिल्कुल इक्वल है, थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट जरूर है बट आई थिंक दैट इज़ वेरी टेम्परेरी थिंग। नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट, कोई स्क्रू नहीं डाले क्योंकि बोन क्वालिटी अच्छी थी, इज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन, मसल स्ट्रेंथ भी अच्छी है, बोन क्वालिटी भी अच्छी है एंड ही इज़ ऑलरेडी वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ये एक्सरे है शुभाजीत भट्टाचार्य का जो वेस्ट बंगाल से हमारे पास आए हैं कलकत्ता से। इनका आपने सर्जरी से पहले देखा था पूरी बोन यहाँ पर बनी हुई थी, पूरा बोन ब्रिज बना हुआ था, तो हमने सारा बोन हटाया है यहाँ से
और एक नया हिप रिप्लेसमेंट किया है इनका, ताकि उनकी मूवमेंट काफ़ी हद तक वापस आ गई है। इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है कि जो बोन होती है हमारी शैटिक नर्व उन्हीं बोन के बीच में टनल के थ्रू जाती है, तो जब ये बोन रिमूव करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पेशेंट को कोई फुट ड्रॉप ना हो जाए। हालांकि पेशेंट को हमने उसके बारे में ऑलरेडी वॉर्न किया था, बट वी वर एबल टू प्रिजर्व हिज नर्व एंड ही इज ऑलरेडी वॉकिंग फुल वेट बेयरिंग। ये एक्सरे है साइकथ पॉल का जो अलीपुर वेस्ट बंगाल से हमारे पास आए हैं। इनका पहले DHS, ये स्क्रू आप देख निशान आप देख सकते हैं, ये स्क्रू सारे निकाल दिया, DHS निकाल दिया है और बोन क्वालिटी पुअर थी क्योंकि काफ़ी दिन उसे चल नहीं रहे थे। आप देख भी सकते हैं इधर कॉर्टेक्स काफ़ी थिन है इनका, इधर भी काफ़ी बोन वीक थी, तो इसलिए हमने स्क्रू डाले हैं। बट अदरवाइज इज फुल वेट बेयरिंग। अब लेग लेंथ इक्वल है, हल्का सा पेल्विक टिल्ट है आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट डे होता है इसलिए पेशेंट को थोड़ा पैर लंबा भी लगता है, बट ग्रेजुअली ये सेटल हो जाएगा एंड ही इज गोइंग टू डू इट। ये है गरुण का एक्सरे। गरुण का हम एक हिप पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हिप हमने अभी किया है, तो इसमें आप देखेंगे कि नॉन सिमेट्रिक इम्प्लांट है, बट अब की बार हमें स्क्रू डालने पड़े क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे बोन क्वालिटी वीक हो जाती है। बट लेग लेंथ इज इक्वल, बिल्कुल सेम लेंथ पर है और हिज फुल वेट वेयरिंग। थोड़ा सा पेन है अभी, लेकिन वो फर्स्ट डे थोड़ा पेन होता है, बट ही इज गोइंग टू डू वेल। ये है अपेक्षा का जो हमारे पास आया है नागपुर महाराष्ट्र से, तो इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। लेफ्ट का भी करना है हमने, राइट का भी कर चुके हैं, तो ये जो गैप था पेल्विस और ट्रोकेंटर बिल्कुल टच कर रहे थे, अब हमने वो गैप क्रिएट कर दिया है। सिमिलरली यहाँ गैप देखिए बहुत कम था, ये गैप भी हमने रिक्रिएट किया है। दैट मीन्स कि हम पूरी फीमर को बाहर और नीचे लेकर आए हैं, उससे लेंथ भी बढ़ी है और रेंज ऑफ मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। पहले पेल्विस हमारा हिप पूरा अंदर तक गया हुआ था, कोलस लाइन को टच कर रहा था, हमने वो डिस्टेंस भी वापस बढ़ा दिया, तो सेंटर ऑफ रोटेशन को हम लैटरली ले रहे हैं और नीचे लेकर आए हैं। तो दिट वॉज स्लाइटली डिफिकल्ट सर्जरी क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत कम होता है, शैटिक नर्व बिल्कुल साथ में चल रही होती है ऐसे पेशेंट में, तो हमें सब चीज़ों को प्रिजर्व करके ही ये सर्जरी करनी होती है। ये है राम सिंह, जिनको नेक फ्यूमर में भी फ्रैक्चर था और नीचे भी फ्रैक्चर था, तो इसमें आप देखेंगे हमने यहाँ रिप्लेस किया है और एक लंबा स्टेम यूज़ किया है जिससे हमने फ्रैक्चर को भी क्रॉस कर लिया है। हालांकि फ्रैक्चर आप देखेंगे जुड़ना शुरू हो गया है, काफ़ी स्ट्रांग है, और लेकिन इसको भी सपोर्ट कर दिया हमने। ही इज़ फुल वेट बेयरिंग फ्रॉम डे वन, तो ये है इसमें पेशेंट का बहुत सारा वक्त बचेगा, पेशेंट की बहुत सारे जो रिपीटेड सर्जरी होनी थी वो बच जाएंगी, और विद इन ए मंथ अभी अपना काम वाम शुरू कर सकते हैं, सब चीज़ें एक्टिविटी नॉर्मल कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रांग स्टेम है जिसकी लेंथ हम अपनी जितना हमें ज़रूरत होती है उसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो दिस इज ए मॉड्यूलर स्टेम दैट हैज़ बीन यूज्ड। बोन क्वालिटी अच्छी है तो इसलिए हमें स्क्रू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमारे पेशेंट हैं 65 ईयर ओल्ड शुभांगी, जो रिठाला दिल्ली से आए थे। इनका हमने दोनों तरफ का हिप रिप्लेस किया है, एक ऑलरेडी हो चुका था, एक अभी इसी सीरीज़ में किया है। थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट है, देख सकते हैं थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट है अभी, बट विद टाइम ये सेटल हो जाएगा। बट इनका इम्प्लांट बहुत अच्छा है और अब ये चलना शुरू कर दिया है, पिछले कई महीने से टोटली बेड रिडन थे, सो दिस इज़ ए सॉर्ट ऑफ गिफ्ट फॉर द पेशेंट कि अब जैसे जैसे चलेंगे इनकी बोन क्वालिटी और मसल्स इम्प्रूव हो जाएंगे। ये हैं राजन सक्सेना जी, जो गुड़गांव से हमारे पास आए हैं। ये 61, इनका एस्टेब्लम फ्रैक्चर था, ये ब्लीडिंग की गई थी कुछ महीने पहले, काफ़ी होपलेस लग रहे थे कि शायद वो नहीं चल पाएंगे, ही वॉज प्रैक्टिकली बेड रिडन फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, लेकिन इनकी बोन क्वालिटी बहुत अच्छी मिली है थैंक्स टू द प्रीवियस सर्जरी एंड द प्रीवियस सर्जन, कि हम एक ऐसा कप डाल पाए जिसमें स्क्रू भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस एज में, और फ्रैक्चर के साथ जस्ट आफ्टर 5-6 मंथ हम ये कर पाए, दैट वाज वेरी गुड, दैट वाज ग्रेट फॉर द पेशेंट। और पहले ही दिन से हम पूरा वेट डलवा रहे हैं, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है और पेशेंट पहले दिन से ही वेट बेयरिंग है, तो ये इन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये टॉयलेट तक जाने में इनको दिक्कत हो रही थी, एंड सबसे बड़ी बात मेंटली काफ़ी वीक हो गए थे इस वजह से कि ये शायद मेरा ठीक नहीं होगा, बट विद MIS टेक्निक वी कैन मैनेज ऑल दिस कॉम्प्लिकेटेड केसेस। ये हैं मोहम्मद सादिक, जिनका हमने रिप्लेसमेंट किया है लेफ्ट साइड का, तो इसमें आप देखेंगे नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स हैं सारे, वेल फिटिंग हैं, फुल वेट बेयरिंग चल रहे हैं, हालांकि थोड़ी सी डायबिटीज़ का है इनका प्रॉब्लम, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं साथ में, जितना चलेंगे जितना वॉक करेंगे इनका डायबिटीज़ भी बेटर कंट्रोल होगा, कोई स्क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ी। इधर भी बहुत अच्छी इनकी फिटिंग है इम्प्लांट की, पूरा वेट डाल रहे हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में ज़मीन पर भी बैठ पाएंगे। ये गुरमीत की सर्जरी है, इसमें आपने देखा था पहले सर्जरी से पहले कि हमारा ट्रोकेंटर यहाँ पर था और एक फॉल्स स्टेबलम यहाँ बन गया था क्योंकि जो हेड था वो ऊपर की तरफ चला गया था, हम वापस पुराने जो इधर का हिप है उसी के लेवल पे दूसरे हिप को लेकर आए हैं, इससे इनकी लेंथ बढ़ गई है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो डायमीटर है
इधर और इधर बहुत डिफरेंसेस हैं। तो हमने ये जो स्पेशली हमने डिज़ाइन किए हैं जो बहुत छोटे स्टेम, वो इसमें यूज़ हुआ है। ये स्मॉलेस्ट स्टेम है जो हम यूज़ किया है। बोन क्वालिटी ऑब्वियसली इसमें बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए हमें स्क्रू डालने पड़े। लेकिन पेशेंट पहले दिन से ही पूरा वेट डाल के चल रहे हैं, क्योंकि जो फिक्सेशन आई है कप की वो बहुत अच्छी आई है। वी आर फुल्ली कॉन्फिडेंट और अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि ये सब काम करेंगे, ज़मीन पर बैठेंगे, सब चीज़ें करेंगे। तो एक 24 साल के इंसान के लिए ये एक तरह से एक नई लाइफ शुरू हो रही है, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये कभी भी ठीक नहीं हो सकते और हमेशा ही लंगड़ा के चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, विद MIS टेक्निक वी कैन अचीव एवरीथिंग। ये देखिए लेग लेंथ इनकी बिल्कुल ट्रोकेंटर ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आ गए। तो ये जितना भी हम काम कर रहे हैं ये मेरे स्टाफ के लोग हैं सब, और ये अपना इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। सनी को सब जानते हैं, सनी की तो सारी ये टीम ही है हमारी। तो ये सब लोग हैं जो आपको अब फिलहाल दिख रहे हैं, इससे भी ज्यादा और लोग हैं जो फिलहाल पर्दे के पीछे हैं, जो काम कर रहे हैं, ओटी में तैयारी कर रहे हैं, ओपीडी में तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब लोग हैं जो ये सर्विसेज देते हैं, इनकी वजह से हम ये इतना काम एफिशिएंटली कर पाते हैं। और बेटा आप ये नाम बताओ। राकेश। ये सब लोग हैं जो 24 आवर काम करते हैं। हम तो फिर भी थोड़ी देर दिखते हैं, 5 मिनट के लिए आते हैं पेशेंट के पास। ये लोग हैं जो 24 आवर के साथ रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन कि हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही अगले आने वाले सालों में करते रहें। ये जो काम है ये इंडिया में अब तक कभी नहीं हुआ, और हमने पिछले 1 महीने में इसको 2 बार किया। ये आसान काम नहीं है, मुश्किल है, और इसके लिए सिर्फ मैं अकेला एक सर्जन काम नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए पूरी टीम की जरूरत है। और ये टीम है हमारी, हम ओटी में चलते हैं, आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं सबसे। ये ओटी है जहाँ काम करते हैं, और ये हमारी टीम है जो हमारे साथ लगातार दिन रात काम करते हैं। और जिस दिन हमने 10 रिप्लेसमेंट किए हैं, उन लोगों ने हमारा साथ दिया है, ये पूरी टीम हमारे साथ थी, और इन्होंने एक बार भी ये शिकायत नहीं की कि एक दिन सुबह शुरू किया और अगले दिन सुबह हो गई है। एंड वी वर वर्किंग रिलेंटलेसली कॉन्टीन्यूसली 3 OTs में हम काम करते रहे। सो आई थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और ऐसे ही हम आगे भी काम करते रहे। ऑलराइट, थैंक यू।